कांग्रेस के पंजाब प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू एक बार फिर से पार्टी की मुश्किलें बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। नवजोत सिंह सिद्धू ने पंजाब के मॉडल से सीएम चरणजीत सिंह चन्नी और बाकी नेताओं की तस्वीर गायब कर दी है। इसके साथ ही नवजोत सिंह सिद्धू ने आरोप लगाया है कि पंजाब में माफिया राज चल रहा है। नवजोत सिंह सिद्धू की ओर से पंजाब मॉडल पेश करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी। सिद्धू ने राज्य में माफिया राज के नाम पर एक तरह से अपनी ही पार्टी की सरकार पर निशाना साधा। सिद्धू ने कहा है कि पंजाब में सिर्फ माफिया राज चल रहा है और हर कोई बोलता है कि पंजाब का खजाना खाली है। पंजाब की अर्थव्यवस्था को किस तरह से रास्ते पर लाया जा सकता है, इसका किसी के पास कोई आइडिया नहीं है। इस बीच बता दें कि नवजोत सिंह सिद्धू ने आगे कहा है कि किस तरह के पंजाब एक बार फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है, यह कोई नहीं बताता। पंजाब में माफिया राज को रोक दिया जाए तो 50,000 करोड़ रुपए की चोरी को बचाया जा सकता है। पंजाब मॉडल के जरिए ही राज्य को रास्ते पर लाया जा सकता है। बता दें कि नवजोत सिंह सिद्धू ने एक बार फिर से चरणजीत सिंह चन्नी पर निशाना साधा है और पंजाब मॉडल को लेकर अपनी बातें कहते हुए नजर आए, और इस बैठक से चरणजीत सिंह चन्नी के नाम भी गायब थे और तस्वीर भी गायब थे, जिसके बाद से अब कयास लगाए जा रहे हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू चुनाव में अपनी अलग रणनीति के तहत काम कर रहे हैं। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। बाकी और खबरों के लिए जुड़े रहिए SBN 9 News के साथ।